नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के टेट टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, आज है आप लोगों का 30 अगस्त, तो हमारे कुछ भाई जो है 29 को ही दे दिया था, लेकिन हम भी थोड़ा सा अपडेट होने में अपलोडिंग में टाइम लगता है, तो इसी कारण से आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। एक्सपीरियंस का 17वां पार्ट है, इससे पहले 69 वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बताना चाहूँगा कि चैनल पर विजिट कीजिए और हर एक वीडियो को देखिएगा, आप लोगों को हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ स्पेशल सुनने को जरूर मिलेगा। मैं आपसे एक बताना चाहूँगा, 30 अगस्त के स्पेशल वीडियो में आप लोगों के लिए जो कुछ भी मैं लेकर के आ रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दिस संडे में 3 बजे लाइव आने वाला हूँ, फिर भी यदि आप लोगों को डाउट है तो आप लोग संडे लाइव कमेंट बॉक्स में आप लोग आ सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और साथ ही साथ दूसरे चरण में आपसे क्या करवाया जा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवा दी गई हैं एक्सपीरियंस वीडियो नंबर 70 में। और एमसीजी एकेडमी ग्वालियर पर आप लोगों के लिए एकेडमी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग यदि उनको भी ज्वाइन करना चाहते हो आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी उपलब्ध करवाई जाएंगी और एमसीजी डिफेंस एकेडमी जो मैंने आपको बना के रखी है, आप चैनल पर विजिट करोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर एमसीजी डिफेंस एकेडमी तो भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसमें भी आप लोगों को यही प्रायोरिटी रखना है कि आप लोगों को हर तरीके से उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगामी भविष्य में कोई भी यदि डिफेंस का एग्जाम होता है, यदि आपको कोई भी आवश्यकता होती है, सारी नीड आप लोगों की उस चैनल से सब जो है संपूर्ण करवाई जाएंगी। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सुनिएगा इन भाई का एक्सपीरियंस पूरा अंत तक पूरा ध्यान से। हाँ नमस्कार सर, मैं एमसीजी एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार नमस्कार सर, जो है आपका टेट टेस्ट हो गया सर। जी जी सर, कब हुआ सर, हो गया सर आपका टेट टेस्ट? जी आज ही हुआ था, 29 तारीख को। 29 तारीख को आज ही हुआ है ना सर? आप जो है अपना एक्सपीरियंस अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो? जी जी सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, आप हर एक चीज एकदम क्लियर करोगे जिससे बंदों के मन में कोई डाउट ना ही रह जाए। और आपको एक एक चीज क्लियर करना है, किस प्रकार से क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, तो आप लोगों को एक एक चीज। जी सर, ये कहना चाहूंगा मैं कि आप जो मुझसे क्वेश्चन करना वो बाद में करना, पहले मैं पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ सर, तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले एंट्री ली हमने 5 बजे। हाँ सर, ये अपना ये जब ये दयाबस्ती में हो रहा है, दयाबस्ती इससे शास्त्री नगर मेट्रो से आओ तो शास्त्री नगर नजदीक पड़ता है, और वैसे आओ तो सराय रोहिल्ला है, सराय रोहिल्ला से थोड़ी सी नजदीक ही पे है। जी सर, तो उन्होंने अंदर किया, अंदर करने के बाद क्या है, हम सबको बैठा लिया, सब लड़कों को अंदर ले लिया था। फिर वो चार चार की लाइन बना बना कर बैठाते गए सब लड़कों को। फिर बैठाने के बाद क्या किया कि जो चार चार की लाइन बनी थी ना, उनमें से चार चार बंदों को जो शुरुआत के थे उनको उठा उठा के एक एक को बुला रहे थे, उनका एडमिट कार्ड देख रहे थे और जो जो उनका आधार कार्ड, दोनों चीजें देख रहे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद क्या करते हैं सर, उनको बाहर निकाल देते थे। मतलब जो जो अन्य लड़के थे उनसे लेकर अंदर कर देते थे, मतलब बाहर कर देते। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे सारे लड़कों का ये हुआ। फिर सर उन्होंने क्या किया कि वहीं से 20-20 लड़कों की एक लाइन बना ली थी, 20-20 लड़कों की। तो उन सबको क्या है नंबर दे रहे थे कि आपका नंबर 1 है, आपका नंबर 2 है। सर वो नंबर इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उस नंबर के बगैर, मतलब उस नंबर को तो आपको हर हाल में याद ही रखना है, क्योंकि उसको हर जगह पे पूछते हैं। मुझसे कम से कम 10 बार पूछा है सर, मेरा क्वालिफाई हो चुका है टेट टेस्ट। तो फिर क्या हुआ सर, वो नंबर पूछते जाते हैं, उसके बाद 20-20 लड़कों को अंदर लेकर आते हैं, फिर उनका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक में बस ये अंगूठा लगवाते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों का, और अंगूठा लगवाने के बाद फिर बस आपका चेहरा वगैरह देखेंगे और बस आपको फिर वहां से वो जमा कर लेंगे, आपके जो एडमिट कार्ड है उसको, जो एडमिट कार्ड है उसको जमा कर लेंगे, आधार कार्ड को आपको ही दे देंगे, ठीक है सर। उसके बाद में फिर वो ले जाते हैं 20-20 लड़कों को, है। अब 20 लड़कों को ले जाने के बाद फिर बैठाती है, कम से कम 10 जगह तो बिठाते रहते हैं, यहाँ से उठाकर वहां पे, वहां से उठाकर वहां पे। फिर उसके उसके बाद में शुरू वाला बैच जाता है, तो सबसे पहले क्या है कि टेबल है एक अच्छी सी, टेबल के ऊपर क्या है थालियां वालियां रखी रहती हैं। तो सर मेरा क्या है, जो 5वें नंबर का बैच था,
लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग वाले बैच की बता रहा हूँ। स्टार्टिंग वाले बैच में ऐसे थालियां उन्होंने खुद ने दी थी, तो थालियां देने के बाद एक उनपे एक कटोरी सी थी, छोटी सी प्लास्टिक का सा था वो, तो उससे क्या है आटा कुरते मतलब आटा देते जा रहे थे हर थाली में हर लड़के को। तो सर एक बात यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल आवश्यक ध्यान रखना है कि उस आटे से टच नहीं करना है। अगर तुमने उस आटे से थोड़ा बहुत भी टच किया तो वो क्या करेंगे तुम्हारा, तुम्हें वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे बिल्कुल, वहां पे ऐसा तुम्हारी थाली छुड़ा लेंगे और तुम्हें भगा देंगे। जो उन्होंने आटा दे दिया उससे टच नहीं करना है। फिर उसके बाद अपनी अपनी थाली को लाकर उसको बताएंगे, वो गिलास रखे रहेंगे उनके जस्ट बगल बगल में रखना है, तो गिलास गिलास दे देंगे। तो सर अपन को क्या है कि उधर भी टच नहीं करना है आटे को। फिर वो क्या दो कदम ये कहते हैं कि पीछे हटके खड़े हो जाओ, दो कदम सर, दो कदम पीछे हटके हटके मतलब खड़े हो जाते हैं। सर आप कहाँ के रहने वाले हो सर? सर मैं ग्वालियर का ही रहने वाला हूँ। हाँ सर, आपकी बोली से तभी तो मुझे एकदम पूछना पड़ा बीच में ही सर। हाँ नहीं मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन भी करता रहता था ट्रेड टेस्ट के बारे में, इसलिए मैंने सोचा कि यार आज अब अपना हो गया है तो क्यों ना सर को बताया जाए और बच्चों का हो जाए। हाँ हाँ सर बताइए सर। हाँ तो फिर उसके बाद में सर आटा बस केवल और केवल 1 मिनट दे रहे हैं। ये जो लड़के कह रहे थे नहीं 40 सेकंड 30 सेकंड और 60 सेकंड वो 33 सेकंड 35 सेकंड, गलत बिल्कुल गलत, 1 मिनट पूरा मिल रहा है, माने 60 सेकंड वो आपको पूरा देंगे, उससे ज्यादा ही देंगे कम नहीं देंगे। उसके बाद में क्या है कि आपको रूमाल लेके जरूर जाना है, क्योंकि तो जो थाली रहती है ना, वैसे जो जो पहली वाले बैच के लड़के थे वो चले गए, दूसरे वाले के आए, तो उनको थाली उठवा कर पहले धुलवाती है, तो थाली को क्या है हमें धोके लाना है हर हालत में। और सर ये लाने के साउंड बाद हो रहा क्या है है थोड़ा कि आसपास सर, थोड़ा ये, ये साउंड हो रहा है आसपास, किस चीज का हो रहा है? अरे सर अभी क्या है मैं वहीं पे हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन अभी उन लोगों ने क्या है रोक रखा है हमसे, तो अभी चल रहा है, इसलिए क्या है वहां पे कुछ चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा मैं उससे दूर हो जाता हूँ। ठीक है सर, हाँ हाँ सर बताइए सर। तो बच्चों से ये कहना कि अपने साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज ले जाए रूमाल वूमाल, जिससे क्या है वो अपनी थाली को साफ कर सके। जी सर ये सब कुछ आपने हमारी वीडियो से सीखा था क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियो से सीख के ही आज सिलेक्शन लिया है, क्योंकि मुझे आमलेट वगैरह बनाना नहीं आता था, आपके उससे ही पता पड़ा कि आमलेट बनवा रहे हैं, वरना हाँ मैं तो शुद्ध फेल होता। आमलेट भी मैंने बना के उस आपकी वीडियो से, माने 29 तारीख को मेरा था, तो 28 तारीख को घर पे 27 तारीख को घर पे शाम को आमलेट बनाई थी, बस वहां से सीखने के बाद डायरेक्ट टेस्ट में आया। लेकिन सर ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो रहा है, मतलब बहुत कठिन हो रहा है। अब ये समझ लो तुम 600 बच्चों में से 16-17 बच्चे पास किए हैं बस बस, और 2 बार होता है इसमें, पहली बार आटा मड़वाएंगे, फिर कुछ बच्चों को पास कर देंगे 50-60, उनसे फिर आमलेट, दूसरा टेस्ट सबसे मोस्ट और सबसे टफ वाला है आमलेट वाला। हाँ आमलेट बनवाते हैं, आमलेट ना तो बड़ी होनी चाहिए ज्यादा, ना जली होनी चाहिए, ना ज्यादा कच्ची होनी चाहिए, मीडियम टाइप की होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए बस, फिर उनकी पसंद के ऊपर है, क्योंकि अपन ये भी नहीं कह सकते कि उनकी क्या पसंद है, किसी कैसे पसंद कर ले, और बस यही सब देखते हैं। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, तो सर जो अपना 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट होता है ना माध्यमिक शिक्षा मंडल की, एक तो मार्कशीट होती है उसके साथ में एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर बंदे सर्टिफिकेट लेकर जरूर आए और सब चीज की फोटोकॉपी करा के लाए ACZ तक, क्योंकि सबसे ज्यादा फोटोकॉपी मांगते हैं। हर चीज की फोटोकॉपी करवा के जरूर लाए। जी जी आप सर आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ सर देखो सर, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको एक और बात है क्लियर कर देना चाहूँगा सर, कि हाँ देखो सर इतना सब कुछ मैं करता हूँ तो सब बच्चों के लिए इसीलिए करता हूँ जिससे उनका भी हर एक चीज़ क्लियर हो सके सर। जी अब सर अभी अभी मेरे साथ एक गंदा सा मजाक हुआ है, लेकिन मैं यदि जितने ही बंदे सुन रहे हैं तो उनके सामने इसको क्लियर जरूर करना चाहूँगा। जी अभी अभी एक बंदे का कॉल आता है RPF, वो शायद मेरे से कपूरथला से ऐसा बोल रहा था, मैं कपूरथला से बोल रहा हूँ सर। जी सर उसने मेरे से बोला अभी कि सर 1000 रुपये लग रहा है, यहाँ के RPF वाले बोल रहे हैं कि हम कैमरे की लाइव वीडियो दे देंगे, आप अपने सर से बात कर लो कि 1000 रुपये मतलब वीडियो के लगेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसा फालतू का कोई भी मजाक ना करें, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी फालतू का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। यदि आपको ये बुरा लगता है तो आप मेरे को चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। जितने भी बंदे मतलब मेरे साथ ऐसा मजाक किया है जिस किसी ने भी, उसी को मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ सर ये मैं। नहीं तो सर कोई मजाक करे कुछ भी करे, उनका तो एक टारगेट फिक्स है, उससे ज्यादा लड़की वो पास ही नहीं करती किसी भी हाल में, उनका तो टारगेट फिक्स है, एक बैच में 17 लेनी है, वो तो चिल्ला चिल्ला ही कह रहे हैं, मतलब कोई लड़का शिकायत भी करे कुछ भी करे वो उससे ज्यादा बंदी ले नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, उनका जो टारगेट है वही बस बंदी ले रहे हैं। उन्होंने एक बार बोल दिया तो उनका क्लियर है।
क्लियर है उनका, क्लियर है। अब मैं जो है सर बंदों के क्वेश्चन कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते और हो। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए सर, वहाँ पर सामान क्या क्या उपलब्ध था जब आप शुरुआत में किस लिए गए थे आटा गूंदने के लिए, क्या क्या उपलब्ध था ये बताइए सर। थाली मिलती है, परात भी, अब परात मिलना स्टार्ट हो गई, थाली परात दोनों में से कुछ भी मिल जाएगी। हाँ और बस अगर जो पहले बच देकर पहली बैच में आए हो तो तुम्हें फ्रेश मिलेंगी, हाँ उस बाद वाली बैचों में आते हो तो तुम्हें ही धोके लाना पड़ेगा उन्हें। पहले वाले बैचों में आते तो फ्रेश मिलेंगे, बाद में आते तो तुम्हें ही धोके लाना पड़ेगा, है ना। लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं जी भी बंदी क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आप लोग कुछ सुखाने के लिए जरूर लाए, मतलब जो भी हो आपके रूमाल वूमाल जो भी हो। हाँ यदि हाँ कोई गीले हो जाता है तो रिजेक्शन के ज्यादा चांस बन जाते हैं। वही तो चक्कर है। और दूसरी बात, जब वो कहते हैं स्टॉप तो हट ही जाना है, अगर नहीं हटे तो तुम्हारी तरफ वो देखते भी नहीं है, चाहे तुम्हारा आटा कितना भी अच्छा क्यों ना हो। मीन्स यदि हाथ खड़े करने को कह दिया तो हाथ खड़े कर देना हाँ है। हाँ सीटी बज जाती है, दोनों बार सीटी बजती है, स्टार्ट में जब स्टार्ट करते हैं तब सीटी बजती है, एंड हाँ करते हैं तब सीटी बजती है। अब मैं सर बच्चों के क्वेश्चन की ओर जाता हूँ, क्योंकि बच्चों के क्वेश्चन का वीडियो के उसमें आते हैं, तो मैं सर क्रिएटर स्टूडियो में पहुंच चुका हूँ। और सर मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा सर, दिस संडे क्या है, मैं लाइव आने वाला हूँ दिस संडे को, आप ग्वालियर के ही हो कैसा है। पता है मुझे, पता है आपने पहले भी, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, हाँ तो बोल सर रहे थे मैं जरूर आ जाऊंगा। ठीक है बिल्कुल सर, 3 बजे सर मैं आपको कॉल करूंगा सर, आप कॉल पिकअप कर लेना। और सर फ्री रहना सर, मतलब जैसे ऐसा मैं उतने ही बंदों को कॉल करूंगा जितना का मतलब बस बच्चों के आंसर क्लियर होना चाहिए, सही है ना। और आप नहीं तो मैसेज के थ्रू तो सर वीडियो में रहना ही रहना, और आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा देना सर। जी, नहीं तो आपकी वीडियो से 101% प्रॉफिट हो रहा है। मुझे तो ऑमलेट बनाना तक नहीं आता था, लेकिन आपकी वीडियो में जैसे ही मुझे पता पड़ा कि ऑमलेट बनवा रहे हैं, मैं तो सब्जी सब्जी की प्रैक्टिस करके जा रहा था, आज फेल हो जाता अगर आपकी वीडियो ना देखी होती मैंने तो। इसीलिए सर आपका जो है सर, बहुत से बंदे तो इस बात को क्लियर भी नहीं करते कि हाँ सर आप ही की वजह से हुआ है। बहुत से बंदे सर मेरी ये समझ नहीं आता, व्यूज 5-5 हज़ार तक आते हैं सर, 5 हज़ार बंदों के लाइक क्यों नहीं आते सर, क्या मैं वीडियो खराब बनाता हूँ। नहीं बिल्कुल खराब नहीं बनाते यार, काहे की खराब है यार, इससे तो प्रॉफिट मिल रहा है आगे चल के। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी एग्जाम हो उनकी देते रहें, क्वेश्चन वगैरह बताते रहें, क्या क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे इसी के लिए हैं। सर मैंने जो चैनल क्रिएट कर दिए, इसीलिए कर दिए क्योंकि सर एक अड्डा तो होना चाहिए जहाँ आप अपनी बात रख सको। इसी ऐसे ही ऐसे ही जो लड़कों से बात कर करके आप आगामी जो एग्जाम है, जो फ्यूचर में आने वाले हैं, उनके लिए आप प्रोवाइड करवाएंगे तो इनसे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। वही तो मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि इसके लिए आप लोगों को भी मेरे साथ होना होगा। आप अपन क्वेश्चन सेशन की ओर चलते हैं सर। पहला क्वेश्चन आया है अपना मोहित कुमार जी का, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जैसे स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाया वैसे ही बनवाना पड़ता है, मैंने बनवा लिया, क्या ऐसा ही होता है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है, मोहित कुमार जी का ये कहना है सर। मैं यूआर से बिलोंग करता हूँ, रिजर्व जनरल से, हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। मेरा तो बस मैंने जो आपको बताया था कि 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फोटो कॉपी और एडमिट कार्ड, इतनी सारी चीजों की मुझे आवश्यकता पड़ी है, बाद में मुझे पड़ी नहीं है। उसके अलावा किसी की नहीं पड़ी। जी, चलो सर इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपका जो है सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ST कैटेगरी वालों को भी ये स्टेट सर्टिफिकेट ले जाना है सर, ले जाना है क्या, इसके बारे में कोई हाँ जानकारी। सर बिल्कुल बिल्कुल, ST वालों को ले जाना, बिल्कुल लाना है, ला रहे हैं बच्चे, दिखा रहे हैं, क्या सर ला भी रहे हैं दिखा रहे हैं। और ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि अपन तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा नहीं होगा, कोई नहीं है, वो तो टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं सर। अब वो उनके ऊपर है किस चीज के लिए कितना टाइम देते हैं, इतना क्यों मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, तो मैंने इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं किया उनसे, मेरा हो गया, मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया और मैं बाहर निकल आया बस। लेकिन जितने भी हाँ बंदे बच्चे मुझे दिखा रहे थे ये सब जितने सारे। भी भाई लोग सुन रहे हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कपूरथला का यदि आज कोई भी भाई गया हो तो उसका नंबर जरूर सेंड कर दें, ये कपूरथला में आज से ट्रेड टेस्ट शुरू हो चुके हैं। और जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, या आपके संपर्क में कोई हो या आप में से ही मुझे कोई सुन रहा है तो प्लीज मुझे जरूर दे दें उसके बारे में, क्योंकि जो है यदि नहीं दोगे वो लोग तो मैं कैसे बताऊंगा, सही है कि नहीं। जी, हाँ तो आपसे मैं अगला जो है सर यह भी पूछ लीजिए, SC वालों का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होता है, और दिल्ली सेंटर तक जाने का आसान रास्ता क्या है ये बता दो सर। ये कौन है, प्रवेश कुमार जी पूछ रहे हैं, दिल्ली सेंटर तक आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं, लोकल पैसेंजर पकड़कर या सराय रोहिल्ला स्टेशन चले जाएं, कैसे पहुंचेंगे। जी देखो, मैंने क्या है अभी आपकी एक एक आंसर को तो अभी जवाब दिया है कि मुझे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं अनरिजर्व सी हूँ, हाँ सर लेकिन हाँ ये रास्ता मैं बता सकता हूँ। देखो अगर आप मेट्रो से आते हो,
तो आपको शास्त्री नगर आना है, शास्त्री नगर से आप पैदल चल के आ सकते हो। उसके बाद अगर आप ट्रेन से आते हो तो ट्रेन से लोकल ट्रेन चलती है दिल्ली में सराय रोहिला के लिए, तो उसमें बैठना, सराय रोहिला उतरना, सराय रोहिला से 10 या 5 रुपए लेगा और सीधा आपको इसके स्टेशन के गेट पे छोड़ देगा। सर अगला क्वेश्चन है हमारे अक्षय कुमार जी का, ये पूछ रहे हैं सर कि आप ये बताइएगा कि बंदे यदि जल्दी लेट पहुंच रहे हैं तो उससे कोई असर हो रहा है सर? नहीं सर, बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है। तुम जब तुम मतलब वो तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे में शुरुआत के बैचों में तो दो दो तीन तीन बच्चे ले रहे थे, लेकिन बाद वाले बैचों में 6-6 बच्चे लिए हैं, एक फिर 7 लिए हैं, 6-7 6-7 बच्चे लिए हैं। तो शुरुआत में दो दो तीन तीन चल रहे थे, तो इससे कोई डिपेंड नहीं पड़ता है। वो तुम्हारा लक है कि तुम्हें किस सिचुएशन में वो देखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे ऑफिसर है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा उनका बिहेवियर है। वो ये नहीं चाहते कि किसी लड़के के साथ अन्याय हो ना कभी, मतलब इसे ये वो जब आप ट्रेड टेस्ट में बोर्ड पहुंचेंगे तो तब भी आपको वो आपस में बात करते हैं तो आपको ये बातें सारी सुनाई देंगी। जैसे कि वो ये सारी बातें बोलते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, किसी बंदे के साथ गलत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। सर अगला बंदा हमारे कोई सूरज कुमार जी है, टाइम कितना देते हैं आटा गूंदने के लिए, ये बताना चाहोगे सर? ओनली 1 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं देते बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सर आपके सामने है, ये कौन है हमारे, राजीव चौरसिया जी, ये पूछ रहे हैं सर आमलेट कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे सर? सर मैंने वीडियो उस पे, मैं इसके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यूट्यूब पे जाइए, आमलेट डालिए, आमलेट कैसे बनाते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बस उसमें 2 चीजें हटा दीजिए, यहाँ पे टमाटर नहीं मिलता और बस हाँ टमाटर नहीं मिलता और थोड़ा नमक कम लीजिए, नमक अगर ज्यादा हो गया तो आपको फेल कर देंगे। सर आपका एक और बंदे का क्वेश्चन है रितेश कुमार जी, उनका पूछना है सर आप ये बताइए आपके नंबर कितने आए थे, सर आपके नंबर कितने आए थे बता सकते हो सर आप? सर देखो एग्जैक्ट तो मुझे नंबर पता नहीं है, लेकिन मैं वैसे बताता हूँ मैंने कितने अटेम्प्ट किए, कितनी गलत हुए मेरे। तो सर मैंने ना 55-56 के समथिंग अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 10 या 12 के करीबन गलत हो गए थे जी, और इससे जान रहा ही गलत होंगे। मुझे क्या है वो काफी टाइम हो गया तो इतना उसमें नहीं है ना अपने। सर परमाणु घोष बोल रहा है, परमाणु घोष नाम से किसी ने भेजा है अभी अभी क्वेश्चन, उन्होंने पूछा है सर कि आमलेट बनाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, मतलब क्या क्या सामान था वहां पर, इस बारे में कुछ सर आप बोलना चाहते हो? हाँ यूट्यूब पे जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी ना वो सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड रहती हैं सब, जो जो तो आपकी मर्जी है कि आप क्या क्या यूज करते हो, वो सब सारी चीजें देते हैं आपको ए से लेके जेड तक। सर मैं तो हर बंदे का जितने भी लोग क्वेश्चन करते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हर दिन इसको टाइम देता हूँ 6-6 घंटे जी। लेकिन बस मैं सारे बच्चों से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ आइए, अपना दीजिए, लेकिन निराश मत होइए क्योंकि लग पे चांस है, क्योंकि आप भी जानते हो 600-500 बच्चों में से 17-18 बस इतने बच्चे पास कर रहे हैं, तो जितना लक होगा वो हो जाएगा, निराश नहीं होना है मतलब बिल्कुल भी, आराम से आना है, भेजा जाएगा और आराम से देना है। तो सर, जो चीज किस्मत में लिखी रहती है उसे किसी का बाप नहीं रोक सकता, सर तो नहीं लिखी रहती है सर तो वो फिर मिलती नहीं है, इसलिए कोई निराश नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ऐसी शिकायतें आ रही है कि बच्चे निराश होकर जा रहे हैं, तो बाहर जाकर कुछ बोल उठ पटांग कर रहे हैं, रेडी वेडी जैसी, ऐसा काम नहीं सर, मुझे भी सर बच्चे लोग सर कर रहे हैं, सभी से बच्चों से निवेदन है सर, मुझे भी एक दो बच्चों ने गालियां दी हैं कि आप फालतू का वीडियो बना रहे हो सर, इस बारे में सभी से निवेदन करना चाहूंगा यदि आपका जो है आपको गंदा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को ना देखिएगा, लेकिन मुझे गाली ना दीजिए क्योंकि सब्र का भी एक होता है, हर चीज की पराकाष्ठा होती है, सभी से मेरा निवेदन है कि गालियां दे करके आप अपना जो है व्यवहार खराब ना करें, ना ही मैं आपसे मिलने के लिए जा रहा हूँ ना ही आप मेरे से मिलने के लिए आ रहे हो, यदि आपको बुरा लगता है तो प्लीज वीडियो को ना देखें और मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, सही है सर? बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर ये कहना चाहूंगा ये गाली बाजी देने से कुछ नहीं है, आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और क्या है, इतना पता पड़ रहा है आपको कि हो क्या रहा है, अब लड़कों को इतना भी नहीं पता हो क्या रहा है। अब एक बात बताओ, हर किसी को आमलेट बनाना आता नहीं है, हर किसी कोई भी चीज नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पे अगर वो बना रहे हैं आपके माध्यम से ही तो पता पड़ रहा है कि आखिरकार वहाँ पे बनाना क्या है। सर एक्चुअल में यदि बंदों को यही पता नहीं होगा बनाना क्या है तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी बंदे इसको शेयर नहीं करते, पता नहीं क्यों। मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी वीडियो ना होती तो इसमें से आधे बंदे और छट जाते, क्योंकि हर कोई रूमाल लेकर आने लगा है। हाँ सर आप सब बंदों को पता तो लग गया तभी तो रूमाल लेके आने लगे और पता गए चला ये सब कुछ। मैं आपको बता तो रहा हूँ आधे से ज्यादा बंदे और छट जाते। हाँ सर ये अगला क्वेश्चन है हमारा हेम सिंह बालाजी, ये पूछ रहे हैं सर प्लीज ये बताओ कि आटे के
मैं ऐसे थोड़ा सा आटा अलग निकालना है क्या रोटी बेलने के लिए? सर ऐसा है कुछ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आटा केवल गुथवाती है, और रोटी वोटी नहीं। रोटी तो अगर सेकंड टास्क में अगर तुम्हारे लिए रोटी बेलने के लिए देंगे तो ही है, और वरना फर्स्ट टास्क में तो यही चल रहा है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, और आई वो एसपी से ऊपर रैंक का अधिकारी रहता है, दो तीन दो रहती हैं, वो ही चेक करती हैं। वो खुद एक एक बंदे का चेक करती हैं, एक एक बंदे का। हाँ, ये भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर के आगे ही जाके खड़ा होना है, सर को इम्प्रेस करना है, कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिनसे आपके निकलने के चांस ज्यादा हो जाए। आप तो बस अपना धैर्य रखिए, धैर्य रख के अपना काम कीजिए बस। ना पड़ोसी के जागना है कि पड़ोसी कैसे मार रहा है, इतना जागोगे तो तुम्हारा टाइम ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है। तो देखा, अधिकारी तो वो सब पे देखता है, सबका एक ही भी लड़का नहीं। मेरा सर, मैं दोनों बार मेरा बीच में से सिलेक्शन हुआ है, दोनों बार, दो मतलब ट्रेड सर? टेस्ट में दोनों बार। ना मैं हाँ बगली में था, ना मैं कहीं पे था, और मैंने किसी को इम्प्रेस किया ना कुछ। मैं तो बस अपनी थाली की ओर देखता था, अपनी, ना मैंने पड़ोसी के ऊपर देखा ना कुछ। वो अपने आप आए और मुझे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने दोनों बार। मेरी चीजों को देखा, चेक किया, यहाँ तक कि मेरी आमलेट को तो उन सब ने खाया, जबकि जिंदगी में मैंने पहली बार आमलेट बनाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, कैसा आपका जो हो जाता सिलेक्शन हो है। गया सर, मैं तो इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ सर कि आपका जो मेरी वीडियो की वजह से सिलेक्शन हुआ है। यदि मेरा सर कोई भी थोड़ा सा भी योगदान है तो आप मुझे, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, यदि आप जॉब पर जाओगे तो एक ना एक दिन एक बार इतना जरूर याद करोगे कि एमसीजी एकेडमी ने मुझे सपोर्ट किया था सर, ये मैं। अगर देखो, अभी तो यहाँ से आगे तो ये नहीं कह सकते कि नहीं जॉब है, यहाँ से आगे एक और टास्क है। तो लेकिन फिर भी सर कुछ देखो, तो अपने मन में तो जगह होगी सर। मन में तो ये है कि 80% अपन यस यस की ओर बढ़ रहे हैं, 20% में तो बाद में ही पता पड़ेगा जब अपने फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो उस टाइम पे मैं आपसे कॉन्टेक्ट करके इसी तरीके से लड़कों की एक वीडियो बनवा दूंगा, हाँ और सर उसमें वो सारे बता दूंगा आपको, आप चिंता नहीं करना है। बिल्कुल सर, जितने भी बंदे हैं सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का यदि होता जाए तो आप लोग मेरे संपर्क करते रहें। आगामी भविष्य में भी यदि कुछ भी है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ भविष्य में कोई सा भी एग्जाम होता है तो भी आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा। हर एक एग्जाम के लिए एमसीजी डिफेंस एकेडमी जो नीचे मैंने तैयार कर दी है वो आप लोगों के लिए तैयार रहेगी हमेशा, क्योंकि इस वाले चैनल पर दोस्तों सर मैं आपको बताना चाहूँगा एकेडमी क्लासेज जो है पढ़ाने वाले टीचर आ चुके हैं, और आप यदि ग्वालियर से हो तो आपको पता होना चाहिए बीके सिंह सर जो हाल ही में अपने जितेंद्र भैया लेकर के आए थे तो उनको अपने चैनल पर लेकर के आए हैं। हम अपने चैनल पर भी सर पढ़ाते हैं सर, और हाँ सर तो सर, मैं आप, पढ़ूंगा ना, मैं तो पढ़ता हूँ ना, मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ और सर आप राजवीर सर को जानते होंगे यदि आप ग्वालियर से हो तो सर। जी। सबको जानते हैं, बीके सर को जानते हैं, हाँ जिन्होंने तो बादाम सर की गुरु रहे हाँ हैं, हाँ बीके सर, सर तो सबको जानते राजवीर सर भी सर अपने चैनल पर पढ़ाते हैं, आप लोग अभी विजिट करके देख सकते हो। उनकी फीस तो 6,500 के समथिंग, लेकिन अपने चैनल पर आपको फ्री में उपलब्ध हो रही है सर। जी सर। अब बुला रहे हैं सर, अब हमें जाना पड़ेगा सर, तो सॉरी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने अपना कीमती समय दिया, और इसी के साथ सर आप अपने भाइयों को कुछ दो शब्द कह दो जल्दी जल्दी, तो थोड़ा आपका बहुत आभार प्रकट हुआ सर। नहीं तो बस इतना ही कहना चाहूँ, टेंशन न लें, आराम से आए और बेझिझक इधर उधर देखोगे तो घबरा जाओगे। कहीं पे देखना नहीं है, अपनी थाली पे मन लगा के अपनी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन करना है बस, ना टाइम की चिंता करनी है ना कुछ करना है, वो आपका हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है सर। हाँ ये भी आपका कहना सही है सर, जी तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संडे को सर आप आने की कोशिश जरूर करना सर।